एनसीआर सहित गाजियाबाद में भी कोरोना का अटैक लगातार जारी है। हैरानी की बात यह है कि इस बार स्कूली छात्रों को कोरोना निशाना बना रहा है। इसी का जायजा लेने के लिए हम एक निजी स्कूल में इस वक्त पहुंचे हैं। देखते हैं किस तरीके से एंट्री करेंगे। तो पहले तो यहां पर मेंशन किया हुआ है टेम्परेचर चेक मैनेटरी। जब हम अंदर चलेंगे तो देखेंगे आखिरकार किस तरीके की व्यवस्था स्कूल की तरफ से की गई है। पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक साथ यदि 40 छात्र अंदर एंट्री करते हैं तो उनका टेम्परेचर इसमें आ जाएगा। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्कूल प्रबंधक द्वारा उसको तुरंत वापस घर भेज दिया जाएगा और उसके पेरेंट्स को सूचना दी जाएगी। वहीं आप बात करेंगे दूसरी तरफ, यहाँ हैंड सैनिटाइजर लगाया हुआ है, हम यूज भी करके देखते हैं क्योंकि यहीं से छात्र जब अंदर एंट्री करेगा तो पहले यहाँ आकर इस तरीके से ऑटोमेटिक मशीन है ये, और यहाँ पर पहले सैनिटाइज करने के बाद ही स्कूल के अंदर एंट्री छात्र करेगा और वहाँ पर भी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। इस तरीके का प्रबंध जो है स्कूल की तरफ से किया गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी अब पेरेंट्स के लिए बनता जा रहा है। ज़रूरत है तो इस ओर ध्यान देने की, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है, लगातार केस बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।